झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दोनों भतीजी जयश्री और राजश्री ने भी राज्य की राजनीति में कदम बढ़ा दिए हैं। अपने पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के नाम पर दुर्गा सोरेन सेना गठित करने के बाद लगातार सक्रिय हैं। इनकी मां सीता सोरेन जेएमएम महासचिव के साथ ही दुमका के जामा से विधायक है। कभी सीता के पति दुर्गा सोरेन भी जामा से विधायक हुआ करते थे। दोनों बेटियों की राजनीति सक्रियता को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय अध्यक्ष जयश्री सोरेन की शब्दों पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि वो लोगों को बता रही हैं कि अबुआ राज अब सपना जब भी अधूरा है। जयश्री ने कहा कि आज भले ही झारखंड 21 साल का युवा हो चुका है, लेकिन यहाँ के गरीब आदिवासी दलित अब भी दबे कुचले ही हैं। जयश्री ने कहा कि जिस उद्देश्य से आंदोलन और संघर्ष के बदौलत अलग अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, वह पीछे छूट गया है। यानी भले ही जयश्री सोरेन सीधे अपने चाचा और सीएम हेमंत सोरेन पर हमला ना कर रही हो, लेकिन उनका लहजा बता रहा है कि वो हेमंत सरकार से खफा है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि जयश्री के संगठन का असली मकसद क्या है।